हेलो एवरीवन, एक अमेजिंग प्रोजेक्ट आ गया हमारे चैनल को। यदि आपने विजिट किया होगा तो ये एक अमेजिंग प्रोजेक्ट रहा है। क्यों? क्योंकि इस पर मिलियंस ऑफ व्यूज रहे। लेकिन इस पर क्यों मिलियंस ऑफ व्यूज रहे? क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्ट बेस मटेरियल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं आप और उसे एक स्मार्ट सिटी में दे सकते हैं। और यदि वो बेस मटेरियल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट 1 वोल्ट भी हो रही है, 1 वोल्ट जानते हो आप सबसे कम होता है, यदि 1 वोल्ट भी हो रही है तो ये बूस्टिंग सर्किट जो कि इंटरनेट पर कहीं पर भी नहीं है ऑटोमेट, हमारे चैनल पर ही अवेलेबल है। इसकी पूरी डिजाइन जो 1 वोल्ट को आपके 10 गुना स्ट्रीट लाइट, मतलब कि 1 वोल्ट से एक LED बल्ब भी नहीं जलता आपको पता है, लेकिन यहाँ पर 10 स्ट्रीट लाइट जलेंगी 1 वोल्ट से, मतलब कि कितनी गुना ज्यादा बूस्ट हो रही है पावर, आप समझ रहे हैं। मतलब कि बेस मटेरियल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर हम उसे बूस्ट कर एक स्मार्ट सिटी में दे सकते हैं। ये पूरे आइडियाज को पहले भी हमने डाला था, मिलियंस ऑफ व्यूज गए थे और लोगों ने कहा कि इसकी एक लॉन्ग वीडियो बनाओ तो उन्हीं के लिए। और अब हम देखेंगे इसे वर्क करते हुए और आगे से बनाने का भी प्रोसेस देखेंगे। तो इसमें हम कई प्रकार के बेस मटेरियल यूज कर सकते हैं, जैसे एक प्लास्टिक बेस है, चिप्स लोग खाते हैं, और भी कई तरीके के बेस मटेरियल। अब हम अपने बेस मटेरियल में आग लगा देंगे, मतलब कि इसे बंद कर देंगे, इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। और यदि वो इलेक्ट्रिसिटी कम भी है, 1 वोल्ट भी है, तो भी बूस्टिंग कॉइल उस 1 वोल्ट को इतना बूस्ट करेंगी कि 10 स्ट्रीट लाइट से भी ज़्यादा स्ट्रीट लाइट ग्लो होंगी। आप देख सकते हैं एक अमेजिंग लाइव वर्किंग प्रोजेक्ट आइडिया है और ये अमेजोन पर भी अवेलेबल है 5-स्टार रेटिंग के साथ। जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय बेस्ट मटेरियल, और जो बेस्ट मटेरियल जलकर राख में कन्वर्ट हो जाता है और यदि वो ठंडा नहीं हो रहा है तो उसे ठंडा करने के लिए फैन लगे हुए हैं। हम उसे ठंडा कर रोबोटिक कार से कहीं पर भी डिलीवर करा सकते हैं और रीयूज कर सकते हैं। इसे बनाने का किट बॉक्स आप डायरेक्ट भी बाय कर सकते हैं दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर SMS कर। अब हम देखेंगे इसे बनाने का प्रोसेस। देखो, ये हमारा किट बॉक्स जिसके अंदर सारा मटेरियल्स निकलेगा और उन मटेरियल से आप इजीली इसे बना पाओगे। सबसे पहले हम बॉक्स को खोल रहे हैं, ये जस्ट बॉक्स है, हम डेमो के लिए दिखा रहे हैं। इसमें से धीरे धीरे हम अपना मटेरियल्स निकालेंगे। जैसे हमने ये मोटर्स ली, एक गियर मोटर्स है, ये कहीं से भी आप ले सकते हैं, कोई भी मतलब कि मोटर्स इस टाइप के ले सकते हैं, गियर मोटर जरूरी नहीं। आप हमारा बॉक्स नहीं खरीद रहे हैं तब ये मोटर्स यदि चाहिए तो ये नॉर्मल मार्केट में भी अवेलेबल है, ये आपको भी पता होगा। इसमें हम वायर लगाएंगे। वायर क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमें बैटरी कनेक्ट करनी होगी, तो बार बार हम मतलब कि मोटर के टर्मिनल में तो बैटरी टच नहीं करेंगे, इसीलिए हम वायर को बढ़ा देते हैं, जिससे मतलब कि कनेक्शंस मतलब कि दूर से ही हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी अपनी मोटर में दे सकें। अब हम इसमें व्हील लगा रहे हैं। व्हील क्यों? क्योंकि हमारी जो नीचे की रोबोटिक कार रहेगी, जो कचड़े गाड़ी रहेगी, जो कचरा लेकर आएगी जलाने के लिए, वो ऑटोमेटिक आ सके और जा सके, इसीलिए हमने 4 मोटर 4 व्हील्स के साथ उसका सेटअप बनाया है। आप देख सकते हैं इस तरीके से, ये साइज़ है प्लाईबोर्ड की, जो हमारा मतलब कि एक तरीके से रोबोटिक कार का बेस बोर्ड रहेगा। उसमें देखो इस तरीके से कनेक्शन करने हैं, ऐसे हमने कनेक्शंस किए हैं, डायग्राम में आपने देखा होगा। अब हम इनके चारों के एक ही प्लस माइनस कर देंगे। प्लस माइनस एक करने का मतलब है एक सप्लाई कर देंगे। एक सप्लाई का मतलब है पूरी चारों मोटर एक ही बैटरी की एक ही सप्लाई से ये आगे जाएगी, या हम उसकी पावर सप्लाई को रिवर्स करेंगे तो पीछे जाएगी। आप देख सकते हैं कैसे इसकी एक वर्किंग स्मॉल हम आगे देखेंगे और कनेक्शंस के डायग्राम्स भी देखेंगे। देखिए, अब कनेक्शंस हम कर रहे हैं, अभी दाएं बाएं के अलग अलग सप्लाई हैं, लेकिन इनकी सप्लाई हम एक कर देंगे। इससे क्या होगा, रोबोटिक कार आराम से इजीली आगे और पीछे जा सकती है। कनेक्शंस आप डायग्राम्स में देख रहे हैं कैसे हमें करने हैं, सेम टू सेम ऐसे ही डायग्राम्स के अनुसार आपको करना है, देख सकते हैं आप। ठीक है, हमने कैसे किया है देखो, अब हमारे एक कनेक्शन हो गए हैं। अब हम जैसे ही सप्लाई जोड़ेंगे कार आगे जाएगी या पीछे जाएगी। अमेजिंग वर्किंग देखा आपने, ईजिली बनाना। एक सिक्सपेंस स्विच, ए माइक्रो स्विच, इन्हीं से हम मतलब कि अपनी रोबोटिक कार को कंट्रोल करेंगे, बना हमें हाथ से बैटरी को मूव करना होगा, उससे अच्छा है हम ऑटोमेटिक कर सकें। ऑटोमेटिक के लिए कनेक्शंस इसमें दिखाए जा रहे हैं, ऐसे ही हमें सेम कनेक्शंस करने हैं जैसा 3D डायग्राम में दिखाया गया है, ऐसे कंपोनेंट जोड़कर देख सकते, बिल्कुल ईजी है। देखा, ऑटोमेटिक हो गए कनेक्शन। अब हम इसे रिमोट कंट्रोल कर मतलब कि रिमोट द्वारा कंट्रोल कर अपनी रोबोटिक कार को चला सकते हैं। ये हीटिंग पैनल्स होते हैं, ठीक है, हीटिंग पैनल्स काफ़ी टाइप के होते हैं, ये हीटिंग को अब्जॉर्व करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। ये हीटिंग बेस होते हैं, नॉर्मल सोलर प्लेट जैसे ही दिखते हैं, लेकिन हीटिंग पैनल थोड़े से उनसे अलग होते हैं, ये हीट को कन्वर्ट करते हैं और ये टूटते और मतलब कि ख़राब नहीं होते, और इन्हें बैटरी में कनेक्ट करने के बाद ये बैटरी को चार्ज भी कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कैसे कनेक्शन करने हैं बैटरी के, 3D डायग्राम में इजीली देखने को मिलेगा आपको। अमेजिंग है ना, इजी है, बिल्कुल इजी बनाना है, ज़्यादा कठिन नहीं है। यदि आप मटेरियल्स हमसे बाय करते हैं किट बॉक्स तो और इजी क्यों हो जाता है, क्योंकि सारा मटेरियल्स आपको एक साथ मिल जाता है, ये सबसे आसान चीज़ होती है। और लॉन्ग वीडियो विथ एनिमेशन आपको मिलती है। दो डायोड हमने क्यों लगा,
लगाया, क्यों? क्योंकि हीटिंग पैनल से पावर हमारी बैटरी में जाए लेकिन बैटरी से वापस हीटिंग पैनल या कहीं और वेस्ट ना हो, ठीक है, इसीलिए हम डायोड लगा देते हैं अपनी बैटरी में जिससे पावर से बैटरी में स्टोर हो। इस तरीके से हमें पूरे कनेक्शंस करने हैं। देखो ये दोनों जो मोटर हैं, ये दोनों मोटर जब हम आग को जलाएंगे तो उसे तेज और धीमे करने के काम आएगी। पूरे कनेक्शंस आप देख सकते हैं कि हमने कैसे किए हैं 3D डायग्राम में। इन्हें स्क्रीनशॉट ले लें इनका, ठीक है, जो निकल गए हैं 3D डायग्राम इजीली वर्किंग के लिए। देखो अब हमारा ये पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम तैयार है, ठीक है, आप वर्किंग देख सकते हैं, ये फेविकोल है, ठीक है। अब हम अपने प्रोजेक्ट को डेकोरेट करेंगे अमेजिंग तरीके से। तो हमने फेविकोल लिया, इसे पूरे पर फैलाया ग्रीन वेलवेट पेपर। ग्रीन वेलवेट पेपर पर एक अमेजिंग पेपर होता है लुक वाइज प्रोजेक्ट दिखाने के लिए। ये प्लास्टिक रॉड्स हैं जो हमारे प्रोजेक्ट के चारों तरफ लगेंगी जिससे हमारा लुक वाइज होगा। ये ब्लैक चार्ट पेपर है जो हमारे रोड को बनाएगा और इसमें अमेजिंग 3D लुक देखेगा। ये स्ट्रीट लाइट हैं जो हमारी रोड पर स्ट्रीट लाइट लगी रहेंगी, उनके कनेक्शंस कैसे करने हैं आप देख सकते हैं 3D डायग्राम में। 3D डायग्राम में हम क्यों दिखा रहे हैं, क्यों? क्योंकि जिससे हमारी लॉन्ग वीडियो ना बने और आप बोर ना हो। सबसे अच्छी बात आप समझ रहे हैं, आप बोर ना हो। देखो इस तरीके से 3D डायग्राम में बैक जाकर आप कनेक्शन देख सकते हैं। ये बूस्टिंग सर्किट है, ये आपको बाय करना होता है, अमेजोन पर भी अवेलेबल है और डायरेक्ट आप हमसे भी बाय कर सकते हैं हमारी किट बॉक्स में सीधा, या अलग से बाय करना है तो अमेजोन लिंक डिस्क्रिप्शन में है सारी। तो हम अपना मतलब कि बूस्टिंग सर्किट में जो LED बल्ब लगा है उसे हटा देंगे और अपनी स्ट्रीट लाइट को जोड़ देंगे। बूस्टिंग सर्किट क्या करता है, एक वोल्ट को मतलब कि एक वोल्ट से आपकी 10 से 20 LED बल्ब जलाने की पावर रखता है यदि एक वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब पूरी डेकोरेशन हो गई है, देखा कितना अमेजिंग लग रहा है प्रोजेक्ट लुकवाइज। यही है इस प्रोजेक्ट की खासियत कि ये प्रोजेक्ट लुकवाइज लगेगा तो आपके प्रोजेक्ट के पास आसपास लोग आएंगे और आग जलाएंगे। देखा आप 3D डायग्राम में वर्किंग देख सकते हैं 3D डायग्राम में, ठीक है, आग जलाने पर वर्किंग। अब इसकी लॉन्ग वर्किंग समझते हैं हम। देखो ए हमने अपना बेस मटेरियल जार बॉक्स में डालकर इसमें आग लगा दी है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना स्टार्ट हो गई, थोड़ा डार्कनेस। ये वीडियो लॉन्ग नहीं बनाइए, शॉर्ट बनाइए, नॉर्मल वर्किंग देख सकते हैं। इसकी लॉन्ग वीडियो लॉन्ग डायग्राम्स के साथ लॉन्ग प्रोसेस, पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन कैसे इस प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करना है वो सब कुछ हम आपको आपकी किट बॉक्स के साथ एक्स्ट्रा वीडियोज में देंगे। और किट बॉक्स बाय करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डायरेक्ट दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप SMS करें और ऐसा अमेजिंग प्रोजेक्ट ईजिली घर पर बैठकर बनाएं, ठीक है। ये था यहाँ तक का हमारा सफ़र। अब हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।